और मैं उस शायर को बुलाने से पहले उसके परिचय में सिर्फ इतना कहूँगा कि साथियों, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गज़ल का उन्वान जिसको हम कह सकते हैं, गज़ल जो विधा है उसमें जिस व्यक्ति ने बहुत काम किया है वो हमारे साथ हिमांशु तिवारी हैं। मैं उनका इस शेर के साथ इस्तकबाल करता हूँ कि किताबें रिसाले नाखबार पढ़ना, किताबें रिसाले नाखबार पढ़ना, मगर दिल को हर रात एक बार पढ़ना। मैं कागज़ की तकदीर पहचानता हूँ, सिपाही को आता है तलवार पढ़ना। ज़ोरदार तालियां हिमांशु तिवारी के लिए। सभी को नमस्कार। बहुत बहुत सुंदर संचालन मयंक कर रहे हैं आप, एक बार इनके लिए ताली बजाते, क्योंकि एक माहौल जो बना के रखना है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मयंक बहुत बखूबी कर रहे हैं। तो साथियों, हम जानते हैं कि ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, 5-5, 6-6 साहित्यिक विभाग इस विश्वविद्यालय में हैं, तो इसकी एक साहित्यिक अपना एक स्तर है, इसके श्रोताओं का भी अपना एक मेयार है, उसको बरकरार रखते हुए ये कोई साधारण कवि सम्मेलन नहीं हो सकता। एक विश्वविद्यालय के श्रोताओं को हम सुना रहे हैं, तो उस मेयार को बरकरार रखते हुए हम उम्मीद करेंगे कुछ बेहतरीन मैं सुना पाऊँ, आप सब सुने। सारे लोग लगभग परिचित के ही हैं, तो मैं कार्यक्रम में आगे बढ़ता हूँ, एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करता हूँ कि दुनिया पत्थर हो जाएगी उठो शायर शेर कहो, दुनिया पत्थर हो जाएगी उठो शायर शेर कहो, दुनिया पत्थर हो जाएगी उठो शायर शेर कहो, हर बस्ती में आग लगी है ले लो टक्कर शेर कहो। हाँ, हर बस्ती में आग लगी है ले लो टक्कर शेर कहो, और महफिल जाम शमा परवाना सहरा दरिया वसलो हिजर। हाँ, महफिल जाम शमा परवाना सहरा दरिया वसलो हिजर, बेहतर कहना है तो पहले इनसे हटकर शेर कहो, बेहतर कहना है तो पहले इनसे हटकर शेर कहो। एक सामाजिक चिंता है इन दिनों की, मैंने शेर में भी रोया है, शेर सुने कि आपके इल्म में ये फन है खुदा की नेमत, आपके इल्म में ये फन है खुदा की नेमत, हम गजल गोई को रोजी में वया करते हैं। आपके इल्म में ये फन है खुदा की नेमत, हम गजल गोई को रोजी में बयां करते हैं, बेअदब नस्ल ना हो जाए ये डर लगता है, बेअदब नस्ल ना हो जाए ये डर लगता है, लोग जज्बात इमोजी में बयां करते हैं। लोग जज्बात, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। बेअदब नस्ल ना हो जाए ये डर लगता है, लोग जज्बात इमोजी में बयां करते हैं। शेर सुने के जिंदगी अच्छी चले, आहा, जिंदगी अच्छी चले और शायरी चलती रहे, क्या कहने, जिंदगी अच्छी चले और शायरी चलती रहे, जिंदगी अच्छी चले और शायरी चलती रहे, यानी छुट्टी पर रहूं और हाजिरी चलती रहे। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। कि जिंदगी अच्छी चले और शायरी चलती रहे, यानी छुट्टी पर रहूं और हाजिरी चलती रहे, वक्त के अंदाज को समझो तभी मुमकिन है कि, वक्त के अंदाज को समझो कभी मुमकिन है कि, चक्र भी चलता रहे और बांसुरी चलती रहे। बहुत खूब, चक्र भी चलता रहे और बांसुरी चलती रहे। शेर सुने के इस जहां के लोग ही एक दूसरे की कैद हैं, इस जहां के लोग ही एक दूसरे, आपने अपनी जिंदगी में महसूस भी किया होगा कि इस जहां के लोग ही एक दूसरे की कैद हैं, और कैदी चाहते हैं हथकड़ी चलती रहे, आए, आए। और कैदी चाहते हैं हथकड़ी चलती रहे, वक्त मुनसिफ है मगर देखो कहीं ऐसा ना हो, वक्त मुनसिफ है मगर देखो कहीं ऐसा ना हो, सांप चलने के गुमा में केंचुली चलती रहे, सांप चलने के गुमा में केंचुली चलती रहे। शेर है कि पेट भरने की जगह हथियार हम दोनों भरें, पेट भरने की जगह हथियार हम दोनों भरें, इस तरह की दुश्मनी क्या वाकई चलती रहे, इस तरह की दुश्मनी क्या वाकई चलती रहे। एक शेर सुने, मैं जान रहा हूँ आप लोगों का मिजाज क्या है सुनने का, और मैं उससे जुड़ता हूँ। मैं वैसे बीच में एक शेर पढ़ के ही जान गया था कि सुनना क्या चाहते हैं। अब सुने के इस मिट्टी बनती दुनिया में क्या से क्या हो जाता है, आहा, इस मिट्टी बनती दुनिया में क्या से क्या हो जाता है, हर शय शक्ल बदलती है हर शख्स जुदा हो जाता है, हर शय शक्ल बदलती है हर शख्स जुदा हो जाता है। और हम जानते हैं कि जब हम जाति धर्म तमाम तरह से विभाजित होते हैं तो हम घटते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। शेर सुने कि घटते घटते दुनिया आखिर टुकड़ों में बट जाती है, घटते घटते दुनिया आखिर टुकड़ों में बट जाती है,
बढ़ते बढ़ते इश्क यही एक रोज खुदा हो जाता है। बढ़ते बढ़ते इश्क यही एक रोज खुदा हो जाता है। और एक शेर सुने कि जिस पल उसके लब यारों एक बूंद भी पानी छूते हैं, जिस पल उसके लब यारों एक बूंद भी पानी छूते हैं, उस पल सारी दुनिया का पानी मीठा हो जाता है। मैं समझ रहा था कि जिस पल उसके लब यारों एक बूंद भी पानी छूते हैं, उस पल सारी दुनिया का पानी मीठा हो जाता है। शेर है कि एक इंसान को मान खुदा जब शेर हजारों कहते हैं, एक इंसान को मान खुदा जब शेर हजारों कहते हैं, हर आशिक अच्छा शायर रफ्ता रफ्ता हो जाता है। हर आशिक अच्छा शायर रफ्ता रफ्ता हो जाता है। शेर सुने कि अगर ईमान वाले इश्क में मरते भी ज्यादा हैं, अगर ईमान वाले इश्क में मरते भी ज्यादा हैं, तो उनकी याद में इस खल्क में किस्से भी ज्यादा हैं। शेर सुने के जमीनो आसमां भी दूर जाकर मिल ही जाते हैं, जमीनो आसमां भी दूर जाकर मिल ही जाते हैं, जमीनो आसमां भी दूर जाकर मिल ही जाते हैं, जमीनो आसमां भी दूर जाकर मिल ही जाते हैं, हमारे दरमियां के फर्क क्या इनसे भी ज्यादा हैं। जमीनो आसमां भी दूर जाकर मिल ही जाते हैं, हमारे दरमियां के फर्क क्या इनसे भी ज्यादा हैं। ये रुसवाई के हमको आज तक कहना नहीं आया, ये रुसवाई के हमको आज तक कहना नहीं आया, इसी कोशिश में शायद शेर हम कहते भी ज्यादा हैं। इसी कोशिश में शायद शेर हम कहते भी ज्यादा हैं। मैं चलते चलते एक गज़ल पढ़ देता हूँ, उसके बाद अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आगे भी बहुत सारे प्रमुख नाम जो है मौजूद है हमारे साथ, तमाम जो है फरमाइशें आज्ञाएं एक तरह से आ रही हैं। मैं एक गज़ल पढ़ देता हूँ, एक शेर है, उसके बाद जैसा विक्की कह रहे हैं एक रक्तदान का है। अब चूँकि हमारे यहाँ जो प्रेम है वो लोक मंगल की तरफ जाता है, इसकी बात करता है हमारे यहाँ का प्रेम, तो खुदकुशी की शायरी बहुत आपने सुन ली होगी, खुदकुशी कर ली, ये कर ली, वो कर ली, तमाम चीज़ें हैं। लोक मंगल की बात सुने शायरी के ज़रिए कि इस तरीके से मोहब्बत पे ईमान करता हूँ, तुझे इतना ही प्यार अब भी मेरी जान करता हूँ, और नस काट के जाहिल तो कई लोग हो गए, तुम्हारी याद आती है तो रक्त दान करता हूँ। जिंदाबाद साथियों, जिंदाबाद। कि इस तरीके से मोहब्बत पे ईमान करता हूँ, तुझे उतना ही इश्क भी मेरी जान करता हूँ, और नस काट के जाहिल तो कई लोग हो गए, वाह, तुम्हारी याद आती है तो रक्त दान करता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। तो मज़े मज़े में एक नुस्खा है, आप लोग भी कर सकते हैं, खामखा खून की बर्बादी क्या करेंगे, किसी की काम आ जाए तो ज़्यादा बेहतर। बढ़िया ख्याल है भैया। मैं जैसे एक लड़कियां नज़्म के लिए मैं कहा जा रहा है, एक आध शेर में सुना देता हूँ, उसके बाद अपना स्थान लेता हूँ। कि कब तलक कहते फिरोगे तितलियाँ हैं लड़कियाँ, कब तलक कहते फिरोगे तितलियाँ हैं लड़कियाँ, यानी जब चाहो मसल दो लड़कियाँ हैं लड़कियाँ, और आज तक जिनको नहीं तस्कीन वो महफूज हैं, मर्द की बस्ती में बेघर बच्चियां हैं लड़कियां, मर्द की बस्ती में बेघर बच्चियां हैं लड़कियां। शेर सुने कि वो पराई तो नहीं है जोड़ती परिवार हैं, वो पराई तो नहीं है जोड़ती परिवार हैं, मैं कहूंगा इस जहां की डोरियां हैं लड़कियां, क्या मैं कहूंगा इस जहां की डोरियां हैं लड़कियां। और आप लोग देखते होंगे किसी भी बुरी खबर के बाद ये बात कह दी जाती है कि लड़की की कुछ तो गलती रही होगी, ऐसे कोई हादसा नहीं होता। गलती क्या होती है लड़की की सुन लें, कि जिस तरह से पेड़ कटने में खता है पेड़ की, जिस तरह से पेड़ कटने में खता है पेड़ की, उस तरह हादसे की खामियां हैं लड़कियां। जिस तरह से पेड़ कटने में, जिस तरह से पेड़ कटने में खता है पेड़ की, उस तरह हादसे की खामियां हैं लड़कियां। और एक पत्थर है जमाना, एक पत्थर जिंदगी, एक पत्थर है जमाना, एक पत्थर जिंदगी, चल रही पत्थर की चक्की दरमियां हैं लड़कियां, चल रही पत्थर की चक्की। और तब तलक किस मुल्क का बाजू बहुत कमजोर है, क्या शेर पढ़ा, तब तलक किस मुल्क का बाजू बहुत कमजोर है, जब तलक सबकी नजर में चूड़ियां हैं लड़कियां, जब तलक सबकी नजर में चूड़ियां हैं लड़कियां, क्या बात।
तो ये दोनों चीज़ें थी। मैं एक शेर पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ कि पेट भरना हक सभी का, शम्स और कमर आप जानते हैं, सूरज और चांद को कहते हैं कि पेट भरना हक सभी का। जैसे शायरी में ज़रूरी है कि एक विश्वविद्यालयी चेतना भी आपकी शायरी में झलके, तो पेट भरना हक सभी का, जैसे हैं शम्सो कमर, कैपिटलिस्टों का चले तो रोशनी भी बांधे। बहुत खूब। पेट भरना हक सभी का, जैसे हैं शम्सो कमर, कैपिटलिस्टों का चले तो रोशनी भी बांधे। सरहदों में बांध डाली है जमी की जिंदगी, सरहदों में बांध डाली है जमी की जिंदगी, आप में कुवत है तो फिर शायरी भी बांधे। बहुत शुक्रिया। क्या बात, जिंदाबाद, जिंदाबाद हिमांशु तिवारी के लिए। बहुत खूब। जिंदाबाद साथियों, जिस बेहतरीन शायरी की मैं बात कर रहा था, वो शायरी हिमांशु तिवारी ने आप सबके सामने रखी है।